वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें इसे फैक्टराइज करना है। सो आप देख रहे हो कि b प्लस सी दोनों तरफ कॉमन है। सो b प्लस सी को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच रहा है ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बचेगा क्यूब से अगर हमें कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर बचेगा। सो बचेगा b प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस सी इंटू, यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। सो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी। सो हमारा आंसर हो जाएगा b प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी। यही हमारा आंसर। थैंक यू।